सेमेस्टर वन में होता है कि आपको दूसरे कॉलेज जाना होता है इंस्पेक्शन के लिए, दूसरे कॉलेज मतलब उसमें बीएड कॉलेज ही जाएंगे, और वहाँ टीचर्स भी जा रहे हैं, टीचर और पुपिल टीचर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो अभी हम आपको अपने सारे दोस्तों से मिलाएंगे, सारे दोस्त को दोस्त अब नहीं बोल सकते, बीएड कॉलेज में सर बोलना होता है और मैडम, तो जितने भी सर और मैडम है अपना बैचमेट को भी मैडम बोलना होता है, क्या कि अभी हम नया नया एडमिशन लिए तो निकलता नहीं दोस्त यार ब्रो बोलने की आदत हो गई। तो ये है कुलदीप सर। हाय दोस्तों। क्या सर आप आज जा रहे हैं कॉलेज इंस्पेक्शन में, तो क्या सबसे आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा, आप पहले वहाँ क्या देखेंगे? वही कि वहाँ का रास्ता कैसा, वहाँ व्यवस्था कैसी है। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, टीचर्स का व्यवहार कैसा है। एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। गाइज ये रहा कॉलेज की बस और वो रहे हमारे टीचर, थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं, थोड़ा सा कैंपस आप तब तक घूमिए। उस वाले कॉर्नर में उधर ऑफिस है, हम लोग को क्लासेस इधर है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अभी फिलहाल, स्नैक्स के लिए बिस्किट है, बाद में फूडिंग वगैरह मिलेगा। बोल दी तो नहीं परेशान हो गया। हमने भी सुना की मुलाकात ली थी, दूर दूर से बातें थी, धीरे धीरे ये क्या हुआ, मैं क्या करूँ, हाँ कहाँ से लाए गाना सुन। अब इधर से बनाते हुए चल करो सबको जाने दो यार। इस कॉलेज में इंस्पेक्शन करने कॉलेज आ चुके हैं, और अभी हम लोग यहाँ का वेलकम वगैरह होगा थोड़ा सा। कॉलेज का नाम है दौलत महतो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तो आइए विजिट करते हैं। We'll be right back.
एडवांटेज नहीं करना, वो समझेंगे पढ़ेंगे। चलो तो अभी हम लाइब्रेरी में हैं, और लाइब्रेरी में जो इंटरनेट की व्यवस्था होती तो बेहतर हो सकता था। और फिर लाइट वगैरह अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है। बुक्स जो होल्डर है उसमें सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखे हुए, या तो इसमें बुक स्टैंड है, उस समय अगर सब्जेक्ट वाइज अगर प्लेट चिपका दिया जाए। क्या चीज़ है वो, क्या है वो? अच्छा मतलब रिव्यू अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा था। म्यूजिक रूम में थोड़ा इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। और एक्चुअली अगर बोला जाए ना, मेरा जो माइंड है, हम किसी भी चीज़ में नेगेटिव बहुत ज़्यादा खोज लेते हैं, एंड ये जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहता है, तो फिर मैं गलत खोजने में आ गया हूँ। लेकिन हम ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे किसी को, हो सकता है मेरे में तो हज़ार खामी है, ये मुझे पता है। लेकिन जो मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत शांत है, टीचर कोऑपरेटिव है, और फिर स्टूडेंट जो काफ़ी डिसिप्लिन है, और जो खामियां वो सबको रहने देते हैं। आनंद कुमार को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बातों को, अपना जो भी अवलोकन में आज जो आपको अनुभव हुआ, संक्षेप में हम सबों के बीच में रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा हम लोग का वेलकम किया गया, और साथ में यहाँ के स्टूडेंट्स से उन लोग से भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का। मतलब उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को यहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा, और फिर वेल प्रिपेयर्ड है, क्लीन में सैनिटेशन वगैरह काफ़ी बेहतर है, और इक्विपमेंट वगैरह जो है, लेबोरेटरी वगैरह और म्यूजिक रूम वगैरह, वो सब हम लोग कॉपी में नोट किए हैं। कहीं थोड़ा खामी है, ज़्यादातर अच्छा ही है। कोई भी चीज़ 100% अच्छा नहीं होता, 99% हो सकता है वो सही होगा, लेकिन 1% वो गलत होगा ही। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आनंद कुमार। और इसी बीच प्रीति कुमारी वर्मा, सत्र 2021-22 आरकेवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा है, वो भी अपनी बातों को रखेंगे आप लोगों के बीच में। रिस्पेक्टेड टीचर्स और यहाँ प्रेजेंट सारे प्रशिक्षु सबको धन्यवाद, यहाँ वेलकम काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया हम लोगों का, और यहाँ पे जो भी इसका स्ट्रक्चर है सब कुछ बहुत ही अच्छा है। वॉशरूम की सुविधा दे रही है, या फिर लैब है, वहाँ बुक है लाइब्रेरी में, ये सब भी काफ़ी अच्छा है। टीचर्स ने हमारा काफ़ी अच्छा वेलकम किया, पढ़ाने का वे काफ़ी अच्छा है। प्रीति अरे मैं खाने दो यार, हटाओ इधर लाओ, ये नहीं गिर जाएगा।